वेलकम दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की अगली क्लास। और उसमें जो चीजें बता रहे हैं कई सारी हैं, जो एक बार में कई टॉपिक क्लियर होंगे। जैसे उदासीनीकरण क्या होता है, खाद परिरक्षण क्या होता है, विस्फोटकों में कौन कौन चीजें आती हैं, किसने खोज की थी, डायनामाइट क्या है, साल्टपीटर क्या है, ठीक है, और बारूद कैसे बनता है, क्या होता है बारूद, ठीक है। अगला है उर्वरक क्या होते हैं, क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन से उर्वरक होते हैं। अगला है कि एंडोसल्फान क्या होता है, एक विशेष तरह का एक पदार्थ है जो बैन हो गया अभी। कांच, कांच की प्रकृति क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है ना। और फिर तंबाकू, तंबाकू में कौन सा क्षार होता है, है ना। मोम, मोम कितने तरह का होता है, कहां से प्राप्त हो सकता है, हा? तो ये सारी बातें आज हम इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब होता है या तो कोई चीज अम्लीय हो या क्षारीय हो। वो ना तो अम्लीय रहे अगर वो अम्लीय है, और क्षारीय है तो वो क्षारीय ना रहे, तो उसे बोलते हैं उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन, इंग्लिश में न्यूट्रल होना है ना। तो होता यह कि अम्ल को अगर क्षार के साथ मिला दिया जाए तो उदासीनीकरण हो जाता है, चीज न्यूट्रल हो जाती है, साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको पढ़ा था, जब पढ़ा था क्षार, लवण और अम्ल पढ़ा था, तो उसमें बताया था ना मैंने, तो बिल्कुल वही उदासीनीकरण है, है? तो उसमें होता यह है कि मृदा उपचार में काम आता है। जब मिट्टी में बहुत ज्यादा अम्लता हो जाए, क्षारपन हो जाए, तो मिट्टी के उपचार के लिए उदासीनीकरण करते हैं। दूसरा, चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड होता है, चींटी जब काट लेती है तो फॉर्मिक अम्ल होता है, उसे दर्द होता है हमें, तो चींटी के डंक को उदासीनीकरण में काम आता है, खाने का सोडा लगा लिया जाए तो, है ना, जैसे मधुमक्खी के डंक में खाने का सोडा लगाने से होती है। तीसरा है अपाचन। अपाचन मतलब पेट में अपाचन क्रिया होती है, तो हम लोग बोलते हैं चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जाके, उसमें भी सोडा होता है ना, या फिर खाने का सोडा खा लिया जाए तो सही हो जाता है। या एंटासिड मैंने बताया था ना, कल बताया था उसमें, तो उस तरह की चीजें खाने से अपाच्यपन दूर हो जाता है पेट का, जो चीज ना पची हो खाने से, या एसिड बन रहा हो, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सॉरी हाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और दूसरा जो HCl भी बनता है, मतलब बॉडी है ना, वो अधिक मात्रा में बनने से हमको लगता है तेजाब, जिसे बोलते हैं तेजाब बन रहा है ना, तब जलन पैदा होती है, तो दूर करने के लिए उसे कहते हैं अपाचन। अब मृदा में दो तरह का होता है, एक तो अगर मृदा अम्लीय है तो बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि वो कली जो जिसे हम पुताई में इस्तेमाल करते हैं ना, कली बिना बुझी, यानी इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसके इस्तेमाल से अगर मिट्टी में मिलाया जाए ना वो, तो उसकी अम्लता खत्म हो जाती है, उसे न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। और मिट्टी में क्षारीयता है तो जिप्सम या पाइराइट डाला जाता है, तो उससे ये खत्म हो जाता है। अगला है खाद्य परिरक्षण। तो खाद्य परिरक्षण का मतलब है कि खाने वाली जितनी हमारी चीजें हैं उनको सुरक्षित करना, या बहुत लंबे समय तक उनको बचा के रखना। जैसे हम लोग अचार डाल लेते हैं, पूरे साल खाते हैं, है ना, एक बार अचार डाला पूरे साल खाते हैं, उसी तरह से यहां पर होता है सॉरी, तो इसी तरह से पूरे खाद्य को परीक्षित किया जाता है। खाली अचार नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम संभाल के रखते हैं, या उन्हें खराब नहीं होने देते, साल भर खाते हैं हमारा आराम से, है ना, जैसे चटनी है, सॉस है, केचप, मतलब है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें बना लेते हैं, फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाते हैं ताकि उसमें कीटाणु ना पनपे और वो चीजें खराब ना हो, है ना, तो खाद्य परीक्षण उसे कहते हैं। तो नमक वह खाद्य अम्ल, यानी सोडियम बाइजोएटिक अम्ल होता है, जो आराम से बाजार में मिल जाता है, मम्मी भेजती है ना वो अचार में डालने के लिए, बोले क्या दवाई, तो वो ही सोडियम बाइजोएट होता है, ठीक है ना। दूसरा नमक, नमक के कारण भी जो है खाद्य परिरक्षण हो जाता है ना। अगला है कि चीनी व नमक द्वारा, हाँ चीनी और नमक के द्वारा भी हम खाने की चीजों को बचा सकते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, दरअसल नमक में उसमें तेल भी डालते हैं अचार में खराब ना हो, है ना, सिरके में प्याज रखते हैं, सिरके में डाल के मूली या ये चीजें इनको काट के अगर सिरके में डाल दो तो कभी खराब नहीं होती, अन्यथा मूली काट के ऐसे रख दो, 2 दिन में सड़ जाएगी ना। लेकिन अगर सिरके में काट के डालते तो हमने कतले बना के खाते हैं मूली के, है ना, तो वही कारण है, उस तरह से खराब नहीं होती, परीक्षण करने का तरीका है ताकि हम बाद में भी खा सकें, टेस्टी भी लगती है। अच्छा, अगला कि एयर टाइट पैकिंग। एयर टाइट पैकिंग से ऐसा होता है, जब एयर टाइट पैकिंग आप ले लेंगे तो उसके अंदर अगर कोई कीटाणु या जीवाणु है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी बिना ऑक्सीजन के, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, किसी प्रकार गैस ही नहीं होगी, तो ग्रोथ ही नहीं कर पाया वो जीवाणु को, सबको जीने के लिए ऑक्सीजन जरूर चाहिए, है ना, तो इसलिए एयर टाइट पैकिंग के कारण भी ऐसा होता है। अच्छा, गर्म एवं प्रशीतन द्वारा,
अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर दें तो उसके अंदर का वायरस खत्म हो जाता है, और अगर हम उसे ठंडा कर दें बहुत ज्यादा तो उसके अंदर बनने वाले वायरस की, जो वायरस हो, जीवाणु हो, कीटाणु, कुछ भी, मतलब किसी भी ऐसी तरह की चीज जो हार्मफुल हो ह्यूमन बॉडी के लिए, उसकी जो गति होती है ना बनने की और बढ़ने की, वो धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। प्रीशीतन मतलब ठंडा करना, फ्रिज में रखना। फ्रिज सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हम ताकि उसमें रखने से अगर उसमें सड़न या किसी प्रकार कोई जीवाणु है तो उसकी गति बढ़ने की कम हो जाती है, स्प्रेडिंग स्लो हो जाती है उसकी, है ना, और गर्म करने से वो खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हैं खाद्य परीक्षण की, जिनसे हम अपने खाने को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं इन विधियों के द्वारा। ठीक है, अगला आएगा विस्फोटक। तो विस्फोटक को ना, एक विस्फोटक होते हैं वो जिन्हें मतलब जो धमाके के साथ, आवाज के साथ नुकसान करें, या वैसे विस्फोटक तो जो खदानों में भी काम आते हैं, विस्फोटक पॉजिटिव व्यूज में भी काम आते हैं, नेगेटिव व्यूज में भी काम आते हैं, है ना। तो उसमें से एक विस्फोटक है आरडीएक्स। आरडीएक्स में क्या आता है, आरडीएक्स एक ग्रुप है पूरा, मतलब कोई स्पेशल प्रोडक्ट या स्पेशल तत्व का नाम आरडीएक्स नहीं है, आरडीएक्स एक ग्रुप है। आरडीएक्स ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज आती है, जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजन, T4, एक और है ट्राइसाइक्लो समथिंग, कुछ ऐसे एक तत्व और है। ये चारों चीजें ना आरडीएक्स कहलाती है, इनमें से कोई भी, तो आरडीएक्स ग्रुप के अंदर आती है चीजें। अब आरडीएक्स की खोज कितने की थी, तो मैं ऊपर लिखा है हैनिंग थे एक जिन्होंने आरडीएक्स की खोज की थी। फिर एक टीएनजी, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि टीएनजी की फुल फॉर्म बताइए, तो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन टीएनजी की फुल फॉर्म है, और यह भी एक प्रकार का विस्फोटक है, इसको नोबल का तेल भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नोबल का तेल। ये अगला है टीएनजी से डायनामाइट बनाए जाते हैं। डायनामाइट कोयले की खदानों में बहुत बहुत बड़े पत्थर तोड़ने के लिए डायनामाइट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो डायनामाइट बनाए जाते हैं टीएनजी से, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन इसकी फुल फॉर्म है, इसे नोबल का तेल भी कहते हैं। अगला है डायनामाइट। तो डायनामाइट इससे बनाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब डायनामाइट होता है, दरअसल अल्फ्रेड नोबल नाम के वो बिजनेसमैन थे ये, तो इन्होंने खोज की डायनामाइट की 1863 में, है ना, अल्फ्रेड नोबल इनका नाम है। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है इसमें, मैंने आपको बताया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है इसमें। दूसरा टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल भी इस्तेमाल होता है इसे बनाने के लिए, और सीटीटी भी इस्तेमाल होता है, यानी कि साइक्लोट्राइमियलिन और ट्राई नाइट्रोमाइन, ये चीजें भी मतलब इसमें इस्तेमाल होती है डायनामाइट बनाने में। तो ये वही अल्फ्रेड नोबल हैं जिनकी वजह से आज हमें मतलब दुनिया में जो नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में, वो नोबल जो है वो यही नोबल है जिनकी वजह से पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति का पुरस्कार, या फिर बहुत सारी तरह के पुरस्कार, जैसे विज्ञान में पुरस्कार दिया जाता है, तो ऐसे अलग अलग 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो अल्फ्रेड नोबल इन्हीं की याद में दिए जाते हैं, इन्हीं के ऊपर। ठीक है ना। अच्छा, अगला है कि साल्टपीटर क्या है। साल्टपीटर ना एक तरह का विस्फोटक, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट या शोरा। इसका जो फॉर्मूला है वो KNO3 है। ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं KNO3, तो इसी को साल्टपीटर बोला जाता है। हिंदी में हमारे बोलते हैं शोरा ले आओ, जो कि बारूद बनाने में काम आता है, या गन पाउडर जिसे बोलते हैं उसे बनाने में काम आता है शोरा। ठीक है, इसका काम क्या है, तो शोरे का जो मुख्य काम है ना, ये जलते वक्त ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। जब जल रहा होता है गन पाउडर के साथ, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है जलन वाली चीज में, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं जलेगा, इसलिए जलती आग पे अगर हम पानी फेंक देते हैं तो पानी गर्म होके टूट के 2 हिस्सों में, उसे ऑक्सीजन मिल जाती है, आग और तेज जलती है, अगर आग ज्यादा तेज जल रही हो तो। अन्यथा प्रेशर से बंद किया जाता है, प्रेशर वाले पानी से, मतलब ये आपको बेस और आग के बीच का लिंक तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ पाए, आप कम पानी डालेंगे तो आग ज्यादा लगेगी, कम नहीं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी बहुत आवश्यक है आग जलने के लिए। ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन का लिंक तोड़ देंगे आग से, तो आग अपना बच जाएगी। बस अगला है कि जो साल्ट, इसे ना जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको ना इंडियन साल्टपीटर कहते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं भारत में बारूद बनाने के लिए। और एक होता है सोडियम नाइट्रेट, उसे चिली साल्टपीटर कहा जाता है, वो चिली में प्रोवाइड होता है, चिली एक देश कंट्री है उसमें। ठीक है, अगला है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग भी किया जाता है बम बनाने के लिए, है ना। अगला क्या है, अमोनल एल्यूमिनियम पाउडर प्लस
अमोनियम नाइट्रेट मिल करके अमोनल नाम का एक तत्व बनता है जो विस्फोटकों में प्रयोग किया जाता है। नीचे भी एक विस्फोटक है जिसका नाम टीएनटी है। सवाल आता है टीएनटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, ठीक है, टीएनटी फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, प्लीज याद कर लीजिए। टीएनजी और टीएनटी दो में से एक सवाल जरूर आता है। अच्छा अगला है हमारा बारूद। बारूद एक कंपाउंड है और बारूद को इंग्लिश में गन पाउडर बोलते हैं, और इसे बनाने के लिए तीन चीज चाहिए होती है, एक तो शोरा, एक पोटेशियम या गंधक और एक चारकोल। तो ये तीनों चीजें मैंने यहां लिखी हुई हैं। इसकी परसेंटेज क्या है कि जो शोरा है ना तो 75% चाहिए, गंधक और जो दूसरी चीज है ना वो 10% चाहिए, और चारकोल चाहिए 15%। इन तीनों चीजों को इस रेशियो में अगर मिलाया जाए तो गन पाउडर बनता है। अब इन तीनों का काम क्या है, तो जो हमारा शोरा है ना वो आग जलते वक्त ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ना, और जो आपका चारकोल है 15% वो ईंधन प्लस CO2 ऑक्सीजन मुक्त करता है, जिससे कि ईंधन सही से जल पाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, और उधर ऑक्सीजन मिल जाती है। तो वो शोरा जलने में सहायक है और वो चारकोल ईंधन की तरह काम करता है, और गंधक ना कम ताप पर जल्दी दहन प्रक्रिया शुरू कर देती है, कम ताप पे अधिक दहन, अधिक ज्वलंत, इस कारण से ये गन पाउडर अपना काम शुरू करता है, इसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है, ये होता है बारूद का काम। अगला है उर्वरक क्या होते हैं। दरअसल उर्वरक का मतलब है हम किसी भी खेती करने के लिए या किसी भी प्रकार के पौधों को बड़ा करने के लिए उनके आवश्यक पोषक तत्व उर्वरक कहलाते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। वो तीन तरह के होते हैं, नाइट्रोजनी, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम मैंने आपको बता दिया है, पोटेशियम यानी पोटास, फास्फोरस मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजन उर्वरक जैसे यूरिया होता है उसमें 40% नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना, और डाई एसिड बेस पे बनता है, लिखा हुआ मैंने उधर भी, डाई एसिड डाई बेस पे बनता है, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ऐसे डाई एसिड दो एसिड के बेस से बनता है यूरिया, और 40% नाइट्रोजन इसमें होती है। अगला एंडोसल्फान। एंडोसल्फान एक पीड़ानाशक कीटनाशक है जो धान के खेत में लगाया जाता है, लेकिन अगर इसके जो प्रयोग किए गए ह्यूमन बॉडी पर तो बहुत खतरनाक रिजल्ट आया इन प्रयोगों का, जिस कारण से इसका जो है मतलब प्रयोग बैन कर दिया गया है कि इसे आप प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है कांच। कांच एक अतिशीतित द्रव है, मतलब कांच जो होता है एक लिक्विड है, अतिशीत मतलब बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ। अगर आप देखोगे तो कांच ऊपर से बारीक होता है, नीचे से मोटा होता है, खड़ा रहने के कारण बहुत धीरे धीरे बहाव के कारण नीचे इकट्ठा हो जाता है और मोटा हो जाता है नीचे से, जिस साइड से वो खड़ा होता है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा, बेशक ये फैक्ट है। अगला कि कांच अतिशीत, दूसरे के संगठक क्या क्या, संगठक मतलब किस किस को मिला के कांच बनाया जाता है। ये तो चीज सिलिका, सिलिका मतलब मिट्टी, जो धरती से हमारी मिट्टी प्राप्त होती है वो। अगला कैल्शियम ऑक्साइड है ना, और अगला है कूलेट। कूलेट क्या होता है, कूलेट होते टूटे हुए कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है रिसाइकिल करने के लिए। रिसाइकिल टूट गया कांच इकट्ठा करके चला गया, उसे रिसाइकिल कर लो तो उसे कूलेट बोलते हैं, टूटे हुए कांच के टुकड़ों को। अगला लेड ऑक्साइड, पीबीओ मतलब लेड के ऑक्साइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा विरंजक पदार्थ है ना, जो उसका रंग दूर करने का काम आए, विरंजक। अगला है क्योंकि अगर कांच अलग अलग कलर का चाहिए तो अलग अलग तरह के उसमें वो लगाने पड़ते हैं तत्व, तो जिससे कलर बदलता है कांच का, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। दूसरा क्षार धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना, ये चीजें चाहिए कांच को बनाने के लिए, है कांच के संघटक, ठीक है। अगला है कांच कितने, कांच होते कैसे कैसे, क्या क्या इस्तेमाल होता है इन कांचों का। तो एक कांच है मृदु ग्लास बोलते हैं, जिसमें साधारण बर्तन, साधारण जो बर्तन बनते हैं ना हमारे घर के, या हम सोडा वाटर ग्लास होता है या प्लेट होती है कांच की, वो सब इससे बनते हैं। मृदु ग्लास मतलब ये हल्का, मतलब हल्का नहीं मतलब कम कठोर होता है, कठोर नहीं होता, इसको इसलिए मृदु बोलते हैं। अच्छा अगला कि पोटाश या सख्त कांच, उच्च तापमान, जिन जिन चीजों को उच्च तापमान में प्रयोग किया जाता है वो पदार्थ इससे बनाए जाते हैं। अगर हाई टेम्परेचर में यूज करने वाली कोई प्लेट है कांच की तो वो इससे बनाई जाएगी, यानी कि जो बहुत हाई टेम्परेचर वाले ओवंस होते हैं उनकी ट्रे कांच की बनी आती है ना, वो जो कांच होता है वो पोटाश कांच या सख्त कांच बोलते हैं उसको, वो इससे बनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि क्रूक्स कांच क्या होता है, सॉरी बीच में है फ्लिंट कांच क्या होता है। तो फ्लिंट कांच एक प्रकार का कांच है जिससे बल्ब, कैमरे के लेंस, दूरबीन के लेंस और प्रिज्म,
प्रिज्म जानते हैं ना, शंकु आकार का होता है प्रिज्म, ऐसे ऐसे होता है प्रिज्म। इसके अंदर से अगर सूर्य की किरणें निकाल जाए तो सात हिस्सों में टूट जाती है, यहां से एक आदमी है सात में टूट जाती है, बैनी आहा पिनाला बैंगनी नीला पीला लाल हरा, ऐसे सात हिस्सों में टूट जाती है, होता है प्रिज्म, अगर आपने पहले सुना होगा तो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ये आगे है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच जो ना वो सीरियम ऑक्साइड से बनता है, सीरियम ऑक्साइड, और धूप के चश्मे के जो लेंस होते हैं ना वो क्रूक्स कांच से बनते हैं, क्योंकि क्रूक्स कांच यूवी रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, पार नहीं जाने देता। ठीक है, ये काम है क्रूक्स कांच का। अगला कि क्राउन कांच क्या होता है, तो जो चश्मा होता है ना, नजर का चश्मा जो होता है, उसके लेंस क्राउन कांच से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है सेफ्टी कांच। सेफ्टी कांच का मतलब है कि वो कांच जिससे हवाई जहाज की विंडशील्ड या गाड़ी की विंडशील्ड, विंडशील्ड का मतलब आगे वाला शीशा गाड़ी का, विंड मतलब हवा, शील्ड मतलब जिससे जो प्रोटेक्ट करती हो मैं हवा से, ठीक है ना, तो उसे विंडशील्ड बोलते हैं, जो गाड़ी के आगे वाला शीशा होता है ना, तो वो जो बनते हैं ना वो सेफ्टी कांच से बनते हैं, उसे सेफ्टी कांच ही नाम दिया गया है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू एक ऐसा तत्व है जो हमें पौधे से प्राप्त होता है, तंबाकू का पौधा होता है, ठीक है ना। अब तंबाकू के पौधे से एक क्षार प्राप्त होता है जिसका नाम है निकोटीन। जब मैंने अम्ल लवण और क्षार बताया था ना, तो उसमें लिखाया था कि तंबाकू से प्राप्त होने वाला क्षार कौन सा है, तो निकोटीन है। इसके अंदर ना एक चीज होती है तंबाकू अंदर कर्सिजियस सॉरी कर्सिजेनिक पदार्थ और होते हैं कर्सिजेनिक पदार्थ, तो इनका काम होता है कर्सिजेनिक पदार्थ ना कैंसर की कोशिकाओं को जनरेट करने में सहायक है, इसलिए तंबाकू की हर चीज पर जिसमें तंबाकू इस्तेमाल लिखा होता हो, जिसमें भी तंबाकू होता है या जिन चीजों में खाने में तंबाकू का प्रयोग होता है, चाहे गुटखा पान मसाला बीड़ी सिगरेट, उन सब पे एक वार्निंग लिखी होती है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। पर लोग फिर भी नहीं समझते, पता नहीं क्यों, फिर भी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा आप कोई तंबाकू या किसी इस प्रकार का नशे को सेवन करता है, तो मेरी गुजारिश है कि आप तंबाकू ना खाएं। तंबाकू वास्तव में शरीर के लिए नुकसानदायक है, पर तंबाकू से कैंसर ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये यहां भी बता रहे हैं कि कार्सिजेनिक जो कोशिकाएं हैं सॉरी कार्सिजेनिक जो पदार्थ हैं वो कैंसर की कोशिकाओं को पैदा करने में सहायक हैं, और जिंदगी अनमोल है, दोबारा नहीं मिलती। ठीक है, तो प्लीज ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए कि तंबाकू का सेवन ना करें, ये सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, अगला है कि अब मोम क्या होता है। दरअसल मोम ना प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक वसा है, देखा है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वसीय अम्ल के ईस्टर को कहते हैं मोम। अब मोम होता है चार तरह का, एक तो मधुमक्खी का मोम, अगर आप मधुमक्खी का छत्ता देखो ना तो वो ना बंद होता है, वो जिससे बंद करती है ना वो मोम होता है, उसे बोलते हैं मधुमक्खी का मोम। ठीक है, अगला है कार्नोबा मोम, ये भी एक प्रकार का मोम, इसको कार्नोबा मोम बोलते हैं। एक है स्पेमेस्टी मोम, तो एक स्पेमेस्टी नाम का मोम होता है। ये नाम, ये दो नाम याद रखने जरूरी है, बाकी तो आपको याद है, वैसे इन दो से सवाल नहीं आता, इन दो से ही सवाल आता है, तो मधुमक्खी के मोम से और मोम से, और एक आता सबसे लास्ट में पैराफीन मोम। अब पैराफीन मोम कहां से प्राप्त होता है, कि जब हम डीजल या कोई भी प्राकृतिक तत्व निकालते हैं ना, सॉरी जो जितने भी हमारे ये पदार्थ हैं, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जो है, तो पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होता है हमें मोम, पैराफीन मोम, तो इसको असंतृप्त हाइड्रोजन का मिश्रण कहा गया, और कच्चे तेल से प्राप्त होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोजन का मिश्रण होता है ये पैराफीन मोम, और से प्राप्त होता है वैसलीन, इसी प्रिया इसी के इसी मोम से बनाई जाती है वैसलीन, इसीलिए उसको पेट्रोलियम जेली बोलते हैं। ठीक है, तो मोम। अब होता है जो मोमबत्ती बनाते हैं ना, तो वो मधुमक्खी वाला मोम और पैराफीन मोम को एसिएटिक अम्ल द्वारा क्रिया करा के एक जगह मैश किया मिलाया जाता है, मैश किया जाता है, और उसके बाद उससे मोमबत्ती बनाई जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम ये सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो आज इसमें कुछ नहीं रहा है, ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही था केमिस्ट्री में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना के दूंगा। मेरे पास वो तो है नहीं कि मैं आपको ना दुनिया भर के पहले थंबनेल बनाऊं, फिर आपको ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलूं, और मतलब
फालतू फंडे की चीजों में समय खराब करने का मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप मेरे कमेंट करेंगे जो कहेंगे आपको वो पढ़ा सकता हूँ। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, कीप इट अप। एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे ना आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आई मीन टू से जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपको एक साथ बहुत सारे एग्जाम मिलने वाले देने के लिए। जो लोग इस वक्त जाग रहे और पढ़ रहे हैं ना वो आगे निकल जाएंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप सभी पढ़िए, आगे बढ़िए, देश बढ़ेगा। ठीक है, मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।